नमस्कार दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं पहुंची हूँ विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन इज मोस्ट कन्वीनियंट। तो मैंने एंटर किया है गेट नंबर 1 से। यहीं पर टिकट काउंटर है और यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। बुक माई शो पर भी टिकट आराम से बुक हो जाती हैं। वीक डेज में 120 रुपीज़ और वीकेंड पे 180 रुपीज़ है। यूनिवर्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स CPR ट्रेनिंग दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनते हैं इनकी बात को। आप जब बेहोश हो गए तो पहला काम है, सबसे पहला आप सोटा मार के आप ठीक है। अगर होश आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर होश नहीं आता है तो आप सांस लेने की कोशिश करें। अगर सांस ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहे हैं तो भी समझिएगा ये हमारी हड्डी होती है बीच की, ठीक है ना। बीच की हड्डी में नीचे वाले हिस्से के ऊपर एक हाथ आपने ये लिया, अगर आप राइट हैंड से तो इस हाथ को नीचे रखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड से तो इसको नीचे रखेंगे। दम लगना चाहिए, आपने इसको बना लिया और इसके दबाना स्टार्ट किया। एक मिनट में 100 बार दबाना है, जितनी आप में ताकत है उतनी ताकत से दबाइए आप। दो चार पसलियाँ टूट भी जाएंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट मरीज की जान बच जाएगी, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपने दबाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 के बाद रुक जाएंगे। ये हो गया, क्या हो गया, CAB में C फॉर सर्कुलेशन, दबा के आपने सर्कुलेशन को मेंटेन कर दिया। अब आएगा A का मतलब एयरवे, सांस की नली को खोलना है आपने, तो आपने सिर्फ इतना कर देना है। इतना करेंगे सांस की नली सीधा एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आ गई आपकी। फिर हो गया B फॉर ब्रीदिंग, पहले खुद गहरी सांस लीजिए और उसके मुंह में गहरी सांस देने की कोशिश कीजिए, दोबारा बाहर निकालिए, दोबारा सांस लीजिए, फिर दोबारा 30 बार कीजिए, फिर गुजार कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इम्पोर्टेंट ये है, ये तब तक करना है जब तक तो उसको होश नहीं आ जाए, या एम्बुलेंस नहीं आ जाए, या डॉक्टर नहीं आ जाए। आप आए दिन आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदू में पढ़ते रहते हैं कि एयरप्लेन के अंदर एक आदमी मर रहा था, उसको CPR किया। अगर आप 100 मरीजों का CPR करते हैं तो 4 से 5 मरीजों की जान आप आराम से बचा सकते हैं, और ये बहुत लाइफ सेविंग होता है। पहली बात आप देखिएगा, कई बार मेले में क्या होता है, ये तो हुआ CPR के अंदर। एक होता है वेसोवेगल सिंड्रोम, आप मेले में खड़े हैं, भीड़ की वजह से आप मंदिर में गए, आप भीड़ की वजह से एकदम गिर गया, गिरने की वजह से मरीज तो होश के अंदर है बट मरीज को कमजोरी है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने दोनों पैर ऊपर कर देने, ठीक है ना। और ये ट्रेनिंग हम पिछले 10 सालों से सूरजकुंड मेले में लगातार दे रहे हैं। ये देखिए, एंटर होते ही सेल दिख गई, 100 रुपीज में ज्वेलरी में कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। लगभग सभी स्टेट्स ने यहाँ पर लेडीज सूट्स, बैग्स, फैब्रिक्स, साड़ीज, मतलब शॉपिंग के लिए लेडीज़ के लिए भरा हुआ था, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं था। और काफ़ी कुछ शॉपिंग के लिए होम डेकोर का काफ़ी सामान था और बहुत सुंदर सुंदर सामान था, और कोई इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। बस वही है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल क्या है उस पर डिपेंड करता है, और वो कर देते हैं बार्गेन, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा मेला हमेशा ही होता है और इस बार भी रहा। मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, भगवान जी की मूर्ति, काफ़ी कुछ सब मिट्टी से बनाया हुआ। काफ़ी स्टेट्स में अपने डोरमेट्स, कारपेट्स, ये बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर रखे हुए थे, और बहुत कुछ था शॉपिंग के लिए। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक स्टॉल, सरस मेला जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश का काफ़ी अच्छा फैब्रिक था, बहुत लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, साड़ी सूट्स काफ़ी, और अच्छी अच्छी बार्गेनिंग भी कर रहे थे। तो इट्स अप टू यू कि क्या है। ये त्रिमूर्ति एलिफेंटा केव्स पर मैंने सेल्फी लिया, काफ़ी लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे। हिमाकली टेम्पल हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पर दिखाया गया है। देखते हैं गेट नंबर 4 की तरफ, और देखते हैं गेट नंबर 4 में क्या मिलता है देखने को। ये यहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आई थिंक यहाँ पे अंदर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, काफ़ी बड़ा मेला है ये, बहुत ही बड़ा मेला है।
एशिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट फेयर होता है ये, और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, लोगों में बहुत क्रेज़ है। सिक्किम गेट चलते हैं, इस गेट में एंटर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं, नॉर्थ ईस्टर्न, तो नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी प्रभाव था मेले में और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के आए हुए थे और लोगों में बहुत क्रेज़ था देखने का। तो थोड़ा डिफरेंट होता है तो सभी को थोड़ा यूनिक लगता है। और नॉर्थ ईस्ट के है यहाँ पर, ये इन्होंने लगाया हुआ है खादी भंडार, खादी के कुर्ते और फैब्रिक्स में तो लेडीज़ का मतलब सभी लोग बहुत चाव ले रहे थे, बहुत शॉपिंग की है। ये बैग यहाँ से मैंने भी एक बैग लिया है, और ये बेडशीट्स बहुत ख़रीदी हैं, मैंने भी ख़रीदी है बेडशीट, बहुत सुंदर बेडशीट थी, कॉटन में, प्योर कॉटन में, काफ़ी अच्छा था और ठीक था, रीज़नेबल प्राइस थे, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं थे। ये है गरबा, जो डांडिया होता है उसकी ड्रेसेस, और ये नागालैंड का था यहाँ पर होम डेकोर का सामान, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह जो हम लगाते हैं घर पे डेकोरेशन के लिए, वो थे। बहुत सुंदर, बहुत वैरायटी थी इसमें, काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे शॉपिंग के लिए, और नागालैंड का काफ़ी था, काफ़ी सारी स्टॉल्स थी नागालैंड की। ये मुझे बहुत सुंदर लगी टाई, ये भी उधर की ही थी, नागालैंड की थी, लेकिन ये बहुत सुंदर टाई लग रही थी, इतने वाइब्रेंट कलर, बहुत यूनिक थी टाई। और ये जैकेट्स इनकी, ये तो इनकी ट्रेडिशनल जैकेट्स हैं फैब्रिक, बट टाई सबसे यूनिक लगा मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम इस टाइप की प्रिंट्स की टाई देखी। और ये है नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की स्टॉल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही लगाया है। ये भैया से बात करते हैं थोड़ा सा। तो कैसा एक्सपीरियंस है इस बार का आपका? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ दिल्ली में, हरियाणा, तो उसमें एक्सपीरियंस अच्छा लगा मेरे को। कहाँ से हैं आप? हम गुजरात से आए हैं, और ये नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस कॉरपोरेशन डेवलपमेंट से, उसी तरफ से हमको ये स्टॉल मिला है, और उसका कोई चार्ज नहीं, इसे फ्री में दिया हुआ है। अच्छा, आपको फ्री में दिया हुआ है? हाँ, फ्री। बाकी सबने तो चार्ज दिया है ना, बाकी जो स्टॉल्स नहीं नहीं सब हैंडीकैप दिव्यांग लोग को यहाँ पे स्टॉल फ्री में देते हैं। अच्छा, दिव्यांगजनों को, दिव्यांगजन के लिए फ्री में है। ओके। ऐसे सरस का मेला है या सब अलग अलग इंडेक्स का मेला है, तो उसमें सखी मेला आता है, वो सबको फ्री में मिलता है। ठीक है। मेला और अच्छा एक्सपीरियंस है, सेल भी अच्छा हो रहा है। सेल भी अच्छा हो रहा है, तो अच्छा। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, एक बार दिखाइए। बस ये एक है जो रूमर टांगने वाला है बाथरूम में, और ये यूएसबी लाइट है। अच्छा, यूएसबी लाइट जो ऐसे जलता है। हाँ। एक मैजिक टावल है, मैजिक टावल। मैजिक टावल मतलब क्या मैजिक करता है? जैसे आप रसोई घर में रसोई बनाते हो। हाँ। तो थोड़ा गंदा होता है, तो स्लैब पर पानी डाल के एक बार में एकदम साफ हो जाएगा। वॉशेबल है ये, कितना बार यूज कर सकते हैं एक बार में? इसको बार एक बार दो फिर वैसे एकदम नरम हो जाएगा। कितना टाइम चल सकता है, मतलब कितना टाइम चल जाएगा? एक साल तक चलेगा। एक साल तक चलता है। कितने का है ये? 150 का है। 150 का। इसमें कितने टॉवल है? एक ही टॉवल है 150 का? लंबा आता है। अच्छा, बड़ा टॉवल है? बड़ा आता है अंदर से। 150 का ये एक टॉवल है ना? टॉवल आता है। और ये ग्लव्स कैसे हैं? बर्तन साफ करने के है। अच्छा, बर्तन साफ करने का ग्लव्स है, मतलब इसको पहनो, साबुन लगाओ और ऐसे ही साफ कर लो। 200 का है। ये तो बहुत अच्छा चीज है। सोप से किसी को एलर्जी होती है, सरफ से एलर्जी होती है, तो उसके लिए तो अच्छा है ये पहन के कर सकते हैं। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने सेल्फी लेते हुए, ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है, गीत के रूप में अपनी संस्कृति को उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है, और बहुत सुंदर, आप भी सुनिए एक बार थोड़ा सा, और बहुत लोगों ने पसंद किया इसको। Oh, my God.
काफ़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ यहाँ पर आई हैं, तो हम पहुँचे हैं उगांडा के स्टॉल पे। यहाँ पे एक लेडी बैठी हैं और चलो इनसे थोड़ा बात करते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है सूरजकुंड फेयर को लेके और कैसी सेल हो रही है। सूरजकुंड फेयर नॉट जर्नलिस्ट, people, many, they love our products. I love them also. So, what you want to say about India? India is very nice. You're nice. Yes. And then about people? People are very nice. I want to come back over and over and over and over. So, what about now your sale? My what sale? Sale. Like, what kind of experience? We want more people to come and buy everything. We don't want to take them back. You want to sell everything? Everything. Till last day. Yes. है ना? Okay, good, nice. Next पहुँचे अगली कंट्री है ट्यूनीसिया और यहाँ का खजूर बहुत फेमस है और ये है ईरान। यहाँ से भी काफ़ी मैं देख रही थी एक दो लेडीज़ ने शॉपिंग करी है, तो बात करते हैं यहाँ पर। ये अंकल कुछ कर रहे हैं, भैया कुछ लिख रहे हैं, आई थिंक ये कुछ स्पेशल इनका आर्ट है ज्वेलरी पे लिखने का, ये बता रहे हैं कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी वहाँ देखने के लिए आ गई। ये देखिए पूरा कुछ बता रहे हैं उनको, और चलो यहाँ पे थोड़ा कस्टमर से फीडबैक भी लेते हैं इनका। हाय, आई बॉट दिस फ्रॉम द ईरान स्टोर, दिस इज द फेमस फिलिग्री वर्क फ्रॉम देयर, रियली लव द इंटीग्रेट वर्क एंड द पर्सन हु सोल्ड वाज लाइक टोटली टोटली वेरी फ्रेंडली एंड वेरी नाइस, सो द एक्सपीरियंस वाज सुपर, थैंक यू सो मच। दिस इज सेट इयररिंग्स एंड नेकलेस, राइट? सो नेकलेस एंड रशियन कंट्री का है, रशिया से भी आए हैं और इन्होंने ब्लॉक पेंटिंग, ये हमारे सामने ब्लॉक पेंटिंग कर रही थी तो ये लेडी। नेक्स्ट ये हमारे जो पुराने पेरेंट्स दादा ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर जो बर्तन हम यूज़ करते थे पीतल के, और उस टाइम पे जो चीज़ें यूज़ होती थी उन्हें डिस्प्ले की गई है। आज की जनरेशन ने वो सब चीज़ें नहीं देखी है तो उनके लिए डिस्प्ले किया है, और अच्छा है, एक अच्छा स्टार्ट है कि उनको भी पता चलना चाहिए पहले के लोग कैसे चीज़ें जो देखो ट्रांजिस्टर टेलीविज़न ये लालटेन सूप और ये सारी चीज़ें जो छटना जिसको हम बोलते हैं सुराई ये सभी इस टाइप के जो हुक्का सारा और पीछे बर्तन रखे हुए हैं चरखा जिसमें हम सूत काटते थे धागा बनता था, आगे ये पीतल का जो हेवी वेट के ये चरखे में काफ़ी लोग इंटरेस्ट थे चला के देख रहे थे, और ये बाट रखे हैं जो वेट हम यूज़ करते थे बड़े बड़े मशीन्स को या बड़े बड़े हेवी वेट्स हैं, एक एक वेट 50 किलो का था। ये लेडी ने पगड़ी बंधा रखी है, यहाँ पे अंकल पगड़ी बांध रहे थे, लिखा भी हुआ है पगड़ी बंधवाओ फोटो खिंचवाओ, पेड था अच्छा था, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे। ये फोक डांस मस्ती करते हुए वहाँ के जो कलाकार हैं, 2 तारीख से 18 तारीख तक 18 फरवरी तक यहाँ पर ये लोग हैं, ये पगड़ी बंधवा के फ़ोटो खिंचवाते हुए, ये यमराज जिनसे सब डरते हैं, और ये सोमनाथ टेंपल
इनके साथ सेल्फी। और बहुत फर्नीचर का देखिए सामान था, नीचे बैठने का काफ़ी कुछ था, लोग शॉपिंग कर रहे थे। ये लकड़ी का बहुत अच्छा था, क्यूट सी थी ये कबर्ड सी, छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए घर के अंदर, देखने में भी सुंदर लग रही थी ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं लोग ये फर्नीचर की शॉपिंग भी कर रहे हैं। और ये आंटी ने लिया है पीड़ा बैठने का एक, ये हमारा थीम स्टेट ही गुजरात है इस बार, तो गुजरात का तो बहुत फैब्रिक था, काफ़ी ज्वेलरी वगैरह ये अवॉर्डी है, स्टेट अवॉर्डी। आप लोग कहाँ से आए हो? हरियाणा। स्कूल की तरफ से आए हो? हाँ, क्योंकि ये स्कूल यूनिफॉर्म में है ना, इसीलिए मुझे लगा कि स्कूल से आए। क्या क्या शॉपिंग कर रहे हो यहाँ पर? डायरी वगैरह ली है। डायरी वगैरह ली है? आपने क्या शॉपिंग किया? हमने भी थोड़ी बहुत डायरी वगैरह। क्या क्या अच्छा लगा शॉप मेले में सबसे ज्यादा? अच्छा कुछ अच्छा है, थोड़ा सा रेट ज्यादा रेट ज्यादा है, तो आप कम करवा लेते ना, आप कम करवा लेते। अरे कर देते हैं, अंकल से बोल देना, अंकल प्लीज हम पहली बार आए हैं, कर दो। ठीक है, सब अच्छा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आए हो आप? फर्स्ट टाइम आए हो? तो फ्रेंड्स के साथ तो और अच्छा लग रहा होगा, मम्मी पापा नहीं है इसीलिए, है ना? फुल एंजॉय किया ना। चलो हैव फन। थैंक यू बेटे, थैंक यू बच्चा। और ये बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, सेल्फी लिया। जैसा कि हर मेले में फूड कोर्ट वहाँ की मेन अट्रैक्शन होती है, तो सभी स्टेट्स का फूड था यहाँ पर और अच्छा था काफ़ी। ये हवेली फूड कोर्ट, हवेली इन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया था, काफ़ी ज़्यादा राजस्थानी खाने का काफ़ी छाप थी यहाँ पर और काफ़ी लोग पसंद कर रहे थे। तो अब बढ़ते हैं आगे, अगली कंट्री है मदगस्कर, ये अफ्रीकन कंट्री है ये भी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ यहाँ पर थी जो इंटरनेशनल उन्होंने अपना डिस्प्ले किया था, अपनी कल्चर जो भी उनकी यूनिक चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक अट्रैक्शन था, ये नेक्स्ट था टोगो, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखते हैं चलो यहाँ पे क्या है। ओके, यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं, रेट पूछते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा महंगा लगता है, इंटरनेशनल है तो थोड़ा तो महंगा होगा। और बैग्स वगैरह इन्होंने भी काफ़ी रखा। इट इज़ वेरी नाइस। यस, इट्स नाइस, इट्स डिफरेंट। लाइक Is there any special kind of art it is or like for fun she has done? When she performed, it is the mark to how she want to perform. Okay. Next country है अल्जीरिया। यहाँ पर देखे क्या है, फैब्रिक हर जगह फैब्रिक। अच्छा, यहाँ पे इनकी ज्वेलरी देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंस ही है, ऐसी ज्वेलरी पीतल की, आई थिंक उड़ीसा साइड पे भी ऐसा कुछ होता है पर थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पे भी हमारे इंडियन में जैसे दुपट्टा पहनते हैं वैसे ही इन्होंने इनके यहाँ भी है। और ये कुछ किचन वेयर थे, लोग पूछ रहे थे इसके बारे में। तंजानिया, इन्होंने भी अपने बैग्स डिस्प्ले किए हुए हैं। और नेक्स्ट ये है क्राफ्ट का, इन्होंने अपनी पेंटिंग्स और आर्ट भी बताया हुआ है। पार्टनर कंट्री, ये तंजानिया पार्टनर कंट्री कुछ होगा इनका। इन्होंने अपनी आर्ट देखो, पेंटिंग जैसे हमारे यहाँ पेंटिंग डिस्प्ले की हुआ था वहाँ पर, यहाँ पे भी किया हुआ है जो इनका आर्ट है। नेक्स्ट है आर्मेनिया, और तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल है तो ऑब्वियस ही बात है कि देश विदेश से लोग आए हुए हैं। हेल्प डेस्क देखिए, जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे, मतलब बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी यहाँ पर। अफ़गानिस्तान से भी आए हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टॉल है अफ़गानिस्तान का, और उन्होंने अपने
कारपेट्स वगैरह ये सब डिस्प्ले किए हुए थे। काफ़ी बड़ा स्टॉल है अफ़गानिस्तान का। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका कॉन्गो लिखा हुआ है, तो हाँ तो देखते हैं चलो आगे क्या है। ये है अच्छा, ये कॉन्गो का बहुत अच्छा सा बैंड एक टाइप से, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, वेरी नाइस। अगला है जिम्बाब्वे, इन्होंने भी अपने बैग्स हैं यहाँ पर। और एस्वातिनी, एस्वातिनी कितनी कंट्रीज़ के नाम तो हमें पता भी नहीं है, तो इस यहाँ पे आके पता चल रहा है कि ये नाम की भी कोई कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे जितनी भी स्टॉल्स हैं ये सब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने उनके ये हैं। और काफ़ी कुछ यहाँ पे है, भारत सरकार का देखो लोगो बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सब जगह शॉपिंग की भरमार है, तो जितना आप शॉप कर सकते हैं आपके ऊपर है, जितना करना चाहें। देखिए फिर सिक्योरिटी पुलिस, जगह जगह पर पुलिस तैनात है, मेडिकल फैसिलिटीज़ एवरीथिंग इज़ देयर, बहुत अच्छा से अरेंजमेंट है। और ये मैं कुछ थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट भेलपूरी इन्जॉय कर रही हूँ, और मैंने भेलपूरी खाई थी यहाँ पर और एक लेमन सोडा पिया था। अनदर सेल्फी, और ये कोई डांस कर रहा है शायद, ये मैं ही लग रही हूँ वैसे, है ना, मैं ही लग रही हूँ। तो थोड़ा इन्जॉय भी किया, डांस किया, क्योंकि वीडियो अकेले ही बना रही थी, तो इसीलिए किसी से रिक्वेस्ट किया कि आप वीडियो बना दो मेरा, तो उन्होंने मेरा वीडियो बना दिया। जाते हुए और बहुत मज़े कर रहे हैं सभी डांस पर। ये एक न्यूज़ चैनल से मेले को कवर करने के लिए आए हैं, आई थिंक इंडिया टीवी से हैं। और अब ये जगह जगह सेटअप बनाए हैं लोगों ने, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे इस पे, स्टेयर्स पे चढ़ के भाग रहे थे। तो अभी थोड़ा चलते हैं हम दूसरे गेट की तरफ, देखते हैं और क्या क्या है। ये सामने गेट बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा स्क्रीन से देख रहे हैं आप, थैले भर भर के लोगों ने शॉपिंग करी है। सामने ये फोक कलाकार जो है महिला सशक्तिकरण, यहाँ पर भी स्वावलंबन पवेलियन की तरफ चलते हैं। और थोड़ा सा पहाड़ी पे चढ़ के है, थोड़ा हिल अलग से ऊपर जाकर, और यहाँ पे भी अलग अलग स्टेट से पवेलियंस के नाम अच्छे अच्छे रखे हैं वैसे, अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे देखते हैं क्या है। अच्छा यहाँ पर अचार वगैरह सब पिकल्स अलग अलग सभी ने लगाया, ये फैब्रिक दिख रहा है, ये पिल्लो कुशंस बागपत से हैं ये लोग आए हैं, वही साड़ीज़ शॉपिंग के लिए। और आगे है देखते हैं, चलो चलो आगे है, ये फिर साड़ीज़ आ गई। ये यहाँ से मैंने भी एक सूट लिया है, तो ठीक था, ठीक रेट मिला मुझे, और काफ़ी अच्छी थी ये लेडी, और वो आंटी भी बड़े अच्छे से दिखा रही थी, बहुत पेशेंटली सबको पूरा सेटिस्फाई करके हर कस्टमर को भेज रही थी। जो बेस्ट पार्ट लगा मुझे इनका थैला जो इन्होंने दिया, कपड़े का थैला दिया इन्होंने। ये स्कूल के बच्चे आध्यात्मिक सत्युग की ओर नारा लगाते हुए, जागरूकता फैलाते हुए। थीम गुजरात है, तो गुजरात के टूरिज्म को भी प्रमोट किया गया है यहाँ पर। तो चलो अब देखने चलते हैं कार्निवल, देश विदेश से लोग यहाँ के कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं स्पेशल प्रेजेंटेशन, आप सभी इसको देखिए, एंजॉय करिए।
वन मोर सेल्फी और अब चलते हैं, इवनिंग हो गई है तो बहुत थक भी गए हैं, अब घर की तरफ घर चलते हैं और थोड़ा इवनिंग का भी व्यू देखते हैं। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। आयांश के लिए भी थोड़ा कुछ देखते हैं, अभी मैंने उसके लिए कोई टॉय पसंद नहीं आया मुझे, बाहर एक देखा था आंध्रा का लगा हुआ था वहाँ पे स्टॉल और वहाँ पे वुडन बहुत अच्छे टॉयज़ थे तो वहीं से लेंगे, उसके लिए कुछ यूनिक चीज़ होनी चाहिए ना। तो एट द एंड ऑफ द डे आज एज यूजुअल थक गई हूँ, थोड़ा पैर में पेन है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत नए लोग को से मिली और कुछ पुराने फ्रेंड्स से भी मुलाकात हुई। मेरा फीडबैक ये कहता है कि आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल रहा, थोड़ा हेक्टिक भी रहा कि आज पूरा मेले को मैंने अकेले कवर किया, अकेले ब्लॉग बनाया विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि सूर्या को कुछ काम था, आयांश को भी स्कूल था, तो इसीलिए। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।